आज की इस क्लास में उपस्थित आप सभी विद्यार्थियों का मैं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज की ये क्लास है क्लास 12th। सब्जेक्ट है हमारा जीव विज्ञान और इस जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारा टॉपिक है कायिक प्रवर्धन का सेकेंड भाग। ये टॉपिक इस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर का है और अभी तक हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं, जनन के प्रकार के अंतर्गत अलैंगिक जनन को पढ़ रहे थे और उसमें अलैंगिक जनन में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किन पादपों में पाया जाता है इत्यादि के बारे में हमने सामान्य जानकारी कायिक प्रवर्धन के पहले भाग के अंतर्गत प्राप्त कर ली है। यदि आपको इस उस टॉपिक से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो इस कायिक प्रवर्धन के पहले भाग को आप एक बार पुनः देखें जिससे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कायिक प्रवर्धन के सेकेंड भाग के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आज कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। उससे पहले कौन सा क्या था, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पादप में पाए जाने वाली मूल जो कि कायिक भाग है, मूल, स्तंभ या तना, पर्ण और पुष्प कलिकाएँ जो खाद्य पदार्थ के संग्रहण के कारण मासल हो जाती है, एक नए पादप को निर्मित करने में सक्षम होती है। क्योंकि उस पादप भाग से नए पादप को निर्मित करने में हम पादप भाग का प्रयोग कर रहे हैं, कायिक भाग का प्रयोग कर रहे थे, इसीलिए उसको कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना था। प्रकृति में कई पादप ऐसे, जैसे आलू का एग्जांपल लिया था, प्याज का लिया था, लहसुन का लिया था, अरबी का लिया था, रतालू का लिया था हमने, उनमें अपने आप ही कायिक प्रवर्धन लगातार होता रहता है। लेकिन कई पौधे ऐसे भी है जो मानव के हित के लिए, मानव के उपयोग के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे गुलाब, सुगंधित पुष्प आते हैं। गुलाब के पुष्प पर लगने वाला पुष्प एकल है, समूह में होते तो बहुत सारा ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन कितना हो रहा है, केवल एक ही हो रहा है, और वो एक पुष्प उस पादप पर लग रहा है तो ऐसे कैसे अधिकतम कितना लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं। उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, इसीलिए बहुत अधिक पुष्प की आवश्यकता होती है। तो क्यों नहीं हम उस गुलाब के पादप की फास्ट रूप से उसको उगाना प्रारंभ करें, तीव्रता से उगाए ताकि कम समय में बहुत अधिक पौधे उगेंगे और तीव्रता से पौधे विकसित हो जाते हैं, पुष्प विकसित हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि उन पादपों में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया गया, लेकिन उस प्रोसेस को किया जाता है मानव के द्वारा, इसलिए उसको क्या नाम देंगे, हम कृत्रिम देंगे। है प्रोसेस वही जो प्रकृति में पाई जाती है, मानव के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए क्या नाम देंगे उसको, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहेंगे उसको। तो नंबर फर्स्ट है ये मानव के द्वारा संपन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे धूप को यदि कहीं से उखाड़ के छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर रहे और प्रत्येक खंड को हम जगह जगह पर रोप रहे हैं तो हो गया वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और यदि वो एक जगह पर हमने धूप लगा दी, उसके बाद में अपने आप वो फैलती जा रही है, अपना आप ही प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन हो रहा है, तो प्राकृतिक रूप से हो गया वो। तो पहला हो गया हमारा मानव के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका महत्व क्या, मानव को क्यों आवश्यकता पड़ी, तो उपयोग होती आवश्यक पड़ी जिससे इसका वाणिज्यिक उपयोग हो सके। वाणिज्यिक का मतलब होगा आप अधिक मात्रा में उसको उत्पादित करके बाजार में बेचते हो, जैसे कई प्रकार गेंदा का, चमेली का, गुलाब के पुष्प भगवान को अर्पित करने के लिए या फिर सजावट के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, तो उसको बेच करके लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, तो वाणिज्यिक उपयोग हो गया। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कि बहुत अधिक मात्रा में उसका उत्पादन करना, तो उत्पादन इस कायिक प्रवर्धन के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कौन सा होगा, कृत्रिम प्रकार का।
प्राकृतिक रूप से भी होगा, लेकिन वो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? मोटे तौर पर तीन प्रकार का होता है। एक क्रिया को कटिंग या कर्तन कहते हैं, दूसरा है दाब लगाना, और तीसरी जो विधि होती है उसको नाम देते हैं रोपण विधि। कितनी होगी? 1, 2 और 3। पहली विधि देखते हैं कर्तन क्या चीज़ होती है। पौधे का कोई भी भाग, चाहे वो पर्ण का हो, मूल का हो अथवा स्तंभ का हो, तो मुख्य रूप से इसमें कौन सा लिया जाएगा? स्तंभ लेंगे या फिर मूल लेते हैं। उस पादप भाग के छोटे छोटे भाग होगा उसको नाम देते हैं कर्तन। छोटा भाग स्तंभ था इतना, जैसे गन्ने का था, ये गन्ने का एग्जांपल ले लेते हैं, ये गन्ना लंबा सा गन्ना, इसके छोटे छोटे भाग कर दिए हमने, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, तो इन खंडों को अब हम क्या नाम देंगे? इन खंडों को कहेंगे कर्तन। अभी कर्तन को जमीन के अंदर रोप दो, एक यहाँ पे रोप दिया आपने, दूसरा यहाँ रोप दिया, तीसरा यहाँ दिया, जमीन के अंदर रोपना है, ये डालना ही है इसको। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कर्तन प्रोसेस नाम देते हैं। इन खंडों को क्या करेंगे? जमीन के अंदर रोपेंगे। रोपने से क्या होगा? जमीन के अंदर धसा हुआ भाग है, उस भाग की पर्व संधि से यहाँ से क्या निकलेगी? जड़ें निकलेगी। क्या निकलेगी? जड़ें। जबकि जमीन से ऊपर जो भाग है, उस भाग को उपस्थित पर्व संधि जो स्तंभ होगा, तो वहाँ से क्या निकलेगी? पुष्पकलिका, पर्ण कलिका निकलेगी, या पर्ण विकसित होना प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे ये ग्रोथ करके एक पादप के रूप में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। कैसे पता लगेगा कि कर्तन के द्वारा ही पौधा विकसित हुआ है? तो मान लेते हैं कि एक गन्ना था, गन्ने का ये डंठल भाग आपने इसको रोपा, इसको कर्तन को रोपा, तो यहाँ से कलिका विकसित होगी। अब शाखा कहाँ से विकसित होगी? इस जगह से विकसित होगी, इस भाग से नहीं होगी, बल्कि इसके पार्श्व से विकसित होगी, और पार्श्व से विकसित होकर के ये मोटे लंबे तने के रूप में विकसित हो जाता है, पूर्ण पादप का निर्माण कर जाता है। डेवलप कहाँ से हुआ? इस जगह से हुआ है। जड़ें कहाँ से हैं? इसकी इस जगह से। तो ये जो एक अवशेषी संरचना है, इस अवशेषी संरचना के आधार पर हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये कर्तन के द्वारा विकसित किया गया पौधा है। कर्तन दो प्रकार की होती है, किसके आधार पर? जो पादप भाग प्रयुक्त होता है, स्तंभ प्रयुक्त ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो होगा स्तंभ कर्तन, और यदि मूल ले रहे हैं तो होगा मूल कर्तन। स्तंभ के छोटे छोटे भागों को जमीन में रोपा जाए, अथवा मूल की छोटे छोटे खंडों को जमीन में रोपा जाए। स्तंभ कर्तन किन किन पादपों में होता है? गन्ने में, अंगूर में और गुलाब में। इसके अलावा एक बोगनविलिया भी पादप और हैं, जिसका भी उपयोग हम स्तंभ कर्तन के द्वारा नए पादप विकसित करने में कर सकते हैं। तो गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगनविलिया जैसे पादपों में स्तंभ कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। अब हम किसी भी स्तंभ को लेकर जमीन में रोप दें तो क्या वो पादप बन सकता है? नहीं बन सकता, कभी बन सकता है, कभी विकसित नहीं हो सकता। तो कुछ कर्तन तो ऐसे थे, स्तंभ कर्तन, जो पौधे के रूप में विकसित हो गए, और कुछ ऐसे थे जिसमें पौधे के रूप में विकसित होने की कैपेसिटी नहीं थी। इसका मतलब उनको प्रभावित करने वाले कुछ विशेष कारक होंगे, और वो कारक उसको प्रभावित करता है कि वो पादप के रूप में विकसित होता है अथवा नहीं होता। तो जो पहला कारक है वो है प्रवर्ध की लंबाई, जो खंड लिया हमने वो कितनी लंबाई का होगा। स्तंभ है तो स्तंभ से लिया गया पर्वत या कर्तन स्पष्ट रूप से पर्व संधि युक्त होगा। तो हमने कितनी पर्व संधि युक्त लिया, ये सबसे बड़ा निर्भर करता है उसके पादप के रूप में विकसित होने में। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांच पर्व है इसके अंतर्गत। कितने? पांच। और पांच ये छह पर्व संधिया होगी, तो लगभग 5 से 7 पर्व और पर्व संधि युक्त पर्वत ले तो उससे पादप विकसित होने या इसके से कलिका विकसित होने की संभावना अधिक होगी। दूसरा, हम उस जमीन के अंदर रोपते हैं तो रोपते समय कम से कम 2 से 3 संधियां तो जमीन के अंदर होनी चाहिए। ताकि क्यों रोकेंगे इसको? क्योंकि हमें पता है कि जड़ें निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? इस पर्वत संधि से निकलेगी। पर्वत संधि से निकलने वाली जड़ें कौन सी होती है? अपिस्तानिक जड़ें होती है। इसका मतलब अपिस्तानिक जड़ों को विकसित करने के लिए पर्व संधि की जरूरत पड़ेगी। हमने यदि एक ही पर्व संधि को जमीन के अंदर दबाया है, हो सकता है कि उससे
जड़ें नहीं निकले तो पौधे के बनने की संभावना नहीं होगी। हमने उस पर्वत के 3 से 4 पर्व संधियाँ युक्त भाग जमीन के अंदर रोप दिया, तो किसी न किसी एक पर्व संधि से तो जड़ें निकलेगी नहीं निकलेगी, निकलेगी और पौधा विकसित आसानी से हो सकता है। तो ये पर्वत की लंबाई। दूसरा, जिस पादप भाग से ये पर्वत लिया गया है, जैसे इससे लिया गया, तो इसकी आयु कितनी थी। यदि आपने यंग पार्ट को लिया है तो उससे पादप की विकसित होने की संभावना अधिक होती है। यदि आपने ओल्ड भाग लिया, पुराना भाग लिया है, आधारीय भाग लिया है, तो पादप की विकसित होने की संभावना कम होगी, उससे कली का परिस्फुटित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शीर्षक भाग या यंग भाग में उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन की कैपेसिटी अधिक होती है, जबकि आधारीय भाग या प्रौढ़ भाग में उपस्थित कोशिकाओं की विभाजन की संख्या, विभाजन की कैपेसिटी कम होती है। तीसरा जो कारक है वो है रोपाई का समय। कौन से समय में आप रोप रहे? गर्मी बहुत ज़्यादा है, शुष्कता ज़्यादा है, उस स्थिति में यदि आपने रोपण किया है तो उससे कलिकाओं के परिस्फुटित होने की संभावना कम होगी। वातावरण कैसा था? बरसात का मौसम था या फिर सर्दी का मौसम था? दिन में कब रोप रहे हैं? दोपहर के समय रोप रहे हैं तो होने की संभावना कम होगी। यदि आप सुबह के समय जब आर्द्रता ज़्यादा होगी, शाम के समय आर्द्रता ज़्यादा होती है, उस स्थिति में उस कर्तन को रोपते हैं तो उसके परिस्फुटित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, पर्वत की लंबाई, मात्र पादप की आयु और रोपाई का समय या रोपाई का वातावरण, कर्तन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इससे संबंध कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। दूसरा आता है मूल कर्तन। नींबू, अमरूद, सेब और चेरी जैसे पादपों में मूल के द्वारा नए पादप को निर्मित करेंगे। प्रोसेस सेम की सेम होगी, लेकिन उस मूल्य भाग, कौन सा मूल्य भाग लेंगे? उस मूल्य भाग को लेंगे जहाँ पर अपस्थानिक कलिका विकसित हो चुकी है, उस मूल्य भाग को लेंगे तो उससे एक नए पादप को निर्मित किया जाता है। इस कर्तन को, चाहे वो स्तंभ की हो या फिर मूल की हो, हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाना चाहिए। कौन सी स्थिति में? ऊर्ध्वाधर। यदि आपने टेढ़ा मेढ़ा लगाया है, तिरसा लगाया है, उस स्थिति में उसके परिस्फुटित होने की संभावना कम होती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का सेकेंड जो टाइप से उसको नाम देते हैं दाब लगाना। परिभाषा क्या होती है? पादप भाग, सामान्य तौर पर स्तंभ होता है या शाखा है, को पृथक किए बिना, किससे पृथक करना? मात्र पादप से पृथक नहीं करना। जैसे ये स्तंभ तना है, ये शाखा है, इसको मैं इस मात्र पादप से पृथक नहीं कर रहा हूँ। ये शाखाएं हैं, शाखाएं के अग्रभाग पर क्या लगी होती? लीफ लगी हुई होगी, इस प्रकार की संरचना होगी। तो मैं इस शाखाओं को इस पादप भाग से, जो कि मात्र पादप से, मैं पृथक नहीं कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी इसमें किसी भी जगह से यदि अपस्थानिक जड़े में विकसित करने की क्रिया को प्रेरित करता हूँ तो उस क्रिया को दाब लगाना कहते हैं। परिभाषा वापस देख लीजिए। पादप भाग को पृथक किए बिना, मात्र पादप से पृथक किए बिना, उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करना या निर्माण का प्रेरण करना दाब लगाना कहलाता है। क्या करना हमें? इस पादप भाग से जड़ निकालनी है। ये दो प्रकार की होती है, एक को नाम देते हैं टीला दाब विधि और दूसरे को नाम देते हैं वायु दाब या गुट्टी लगाना। होती क्या, देखिए, टीला दाब विधि मुख्य रूप से चमेली के अंतर्गत की जाती है। मोगरा में इस प्रकार की कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। इसमें कैसे करेंगे? इस पादप भाग की एक शाखा, इस शाखा को जमीन में दबा देते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि इसका अग्रभाग, शीर्षक भाग होता है जिस पर पत्तियां लगी होती है, वो जमीन से ऊपर रहना चाहिए। दबाएंगे, कौन सा भाग दबाएंगे? जहाँ पर 4 से 5 प्रकार की पर्व संधियाँ, उन सभी पर्व संधियों को जमीन के अंदर दबा करके उसके ऊपर रेत डाल देते हैं। और रेत डालने पर वो एक इस प्रकार की उभरी हुई संरचना बनेगी जो टीले के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको नाम देते हैं टीला दाब विधि। मिट्टी को इकट्ठा कर लेते हैं तो एक छोटा सा टीला बन जाता है। उस टीले में क्या है? पादप की एक शाखा जो उसके मात्र पादप से जुड़ी होती है। अब इस मिट्टी को हम कुछ समय के लिए 2 से 4 सप्ताह तक
नम बनाए रखते हैं, उसको आर्द्रता प्रदान करते रहते हैं। तो होता क्या है कि कुछ समय के बाद में इन पर्व संधियों से जड़ें निकलती है। क्या निकलेगी? जड़ें। और जैसे ही पर्व संधियों से जड़ें निकल जाती है, जड़ें थोड़ी सी विकसित हो जाती है, हम इस शाखा को इसके मात्र पादप से पृथक कर देते हैं। तो जब इसमें जड़ें विकसित हुई थी तब ये पादप से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसको दाब लगाने की विधि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब ये जो नव निर्मित भाग है, इसमें शाखाएं हैं, पर्ण हैं और जड़ हैं, तो एक पौधा बना, नया पौधा बन गया। इस प्रकार से इसकी तीन से चार शाखाओं को मैं चारों तरफ से ज़मीन में दबा दूं, तो एक साथ में बिना बीज का निर्माण किए तीन से चार पौधे विकसित हो जाते हैं। उनसे फिर धीरे धीरे आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। इस विधि को क्या नाम देते हैं? टीला दाब विधि। ये विधि सामान्य तौर पर शाकीय पौधे जिनकी तने कोमल होते हैं, जमीन के पास में स्थित होते हैं, उनको हम जमीन में आसानी से दबा सकते हैं, तो उन पादपों में ये प्रक्रिया की जाती है। अब यदि कोई काष्ठीय पौधा जैसे आम वगैरह है, उसकी शाखाओं को हम जमीन में नहीं दबा सकते, क्योंकि एक तो ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं और दूसरी मोटी होती है, जिसको हम आसानी से मोड़ करके जमीन में नहीं दबा सकते। तो उसके लिए कायिक प्रवर्धन के लिए दाब लगाने की विधि होगी, वो कौन सी होगी? वायु दाब विधि या गुट्टी लगाना। इस क्रिया में क्या करते हैं? इस विधि के अंतर्गत एक शाखा है, इस शाखा की पर्व संधि युक्त भाग से, जहाँ पे पर्व संधि है, उस पर्व संधि युक्त भाग के चारों ओर पाए जाने वाली शाल को तोड़ करके निकाल देते हैं। एक वलयनुमा संरचना, रिंग नुमा संरचना के रूप में केवल केवल क्या निकालते हैं? शाल निकालते हैं, जिससे इसका आंतरिक भाग की संरचना बाहर की ओर दिखने लगे। ये जो एक वलयनुमा संरचना बनी हुई होगी, इस वलयनुमा संरचना पर आर्द्रता गई पदार्थ, जैसे वो रुई है, मॉस है, गिल्ली मिट्टी है, गोबर है, इत्यादि को बांधा जाता है। तो गोल गोल बांधे के चारों तरफ इस प्रकार की संरचना को नाम देते हैं गुट्टी। क्योंकि गुट्टी का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस विधि का नाम होगा गुट्टी लगाना। अब क्या करेंगे? अब इस गुट्टी युक्त क्षेत्र पर, चाहे वो मॉस हो जो ब्रायोफाइट आदि तक रही होता है, तो रुई होती है, तो गिल्ली मिट्टी है या गोबर बांधा हुआ, उसको आद्र रखने के लिए, उसको नम रखने के लिए, गीला रखने के लिए क्या करेंगे? इसकी ऊपरी शाखा पर एक छोटा सा जल का पात्र बांधते हैं, इस पात्र के नीचे वाले भाग पर छेद है, इस छेद से जल बूंद बूंद करके नीचे की ओर गिरता है। कहाँ पे गिरेगा? सीधा इस गुट्टी पे गिरेगा। तो लगातार जितनी स्पीड से, जितनी गति से हमें जल गिराना है, उसके अनुसार छेद रखेंगे, छेद के अंदर रुई जैसी पदार्थ डाल देते ताकि बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। गुट्टी युक्त क्षेत्र में नमी बनी रहने के कारण कुछ समय के बाद, लगभग 2 से 4 सप्ताह के बाद, इस क्षेत्र से जड़ें निकलती हुई दिखाई देना प्रारंभ होती है। जब जड़ विकसित हो जाती है, उस स्थिति में इस पादप भाग को काट दिया जाता है और जमीन के अंदर रोपने पर वो पूर्ण रूप से नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। तो यदि काष्ठीय पादप है, बड़े वृक्षीय पादप है, तो उसमें वायुदाब विधि के द्वारा हम कायिक परिवर्तन करेंगे, और यदि शाकीय पादप है तो टीला दाब विधि के द्वारा इस प्रकार की प्रोसेस की जाती है। अपिस्तानिक जड़ों का बार बार जिक्र आता, होता क्या है, तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं। बीज के अंदर पाए जाने वाले मूलांकुर से यदि मूल विकसित होती है, तो इसकी मुख्य मूल होती है ज़्यादा विकसित होती है, पार्श्व मूल कम विकसित होती है, तो इस प्रकार की मूल को नाम देते हैं मूसला मूल। यदि इस प्रांकुर से ही जड़ें विकसित होती है और बहुत सारी पतली पतली महीन रेशे नुमा जड़ें विकसित होती है, जिसमें मुख्य मूल विकसित कम होती है या होती नहीं, तब इस प्रकार की मूल को नाम देते हैं रेशेदार मूल या जटा मूल। और इस प्रांकुर के अतिरिक्त पादप का अन्य भाग, जैसे ये स्तंभ है, इस स्तंभ की पर्व संधि है, इस पर्व संधि से जड़ें निकलती है, तो प्रांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग से यदि जड़ें विकसित होती है, तब हम उसको नाम देते हैं अपस्थानिक जड़ें। जैसे बरगद की शाखाओं से, ये शाखाएं हैं, ये शाखाओं से जड़ें निकलती है, तो कौन सी जड़ें होगी? वो अपस्थानिक जड़ें। तो यहाँ पर भी हम शाखा से विकसित कर रहे हैं, शाखा से विकसित कर रहे हैं, इसकी पर्व संधियों से विकसित होगी, तो ये मूल होगी, कौन सी मूल होगी? अपस्थानिक मूल। दाब लगाने के बाद में तीसरी विधि पढ़ते हैं अपन, रोपण।
उरोपण की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा के अंतर्गत दो अलग अलग पादप भागों को जोड़ने की प्रक्रिया वो रोपण कहलाती है। दो अलग अलग पादप भाग कैसे, जैसे एक भाग ये है, एक पादप भाग ए का खंड ये, और दूसरे पादप भाग इसका ये पानी युक्त भाग ये बी भी हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इस क्रिया को नाम देते हैं रोपण। जिस भाग पर कोई भाग रोपा जाता है तो उसको नाम देते हैं स्तंभ, और जिसको रोप रहे हैं वो कहलाता है कलम। तो ये तो हो गया स्तंभ और ये हो गई कलम। बात आगे समझ में, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाता है बेर के पादप का, ये बेर का पादप है। बेर के पादप दो हैं, कितने, दो प्रकार के, ए और बी बेर। ए पौधा है, इसके ऊपर फल छोटे आते हैं और कम मात्रा में आता है, लेकिन तना बड़ा है और फैलता ज़्यादा, शाखाएं ज़्यादा है। बी पादप है, उस पर जो बेर के फल आते हैं वो बड़े आकार के हैं और अधिक संख्या में आते हैं, लेकिन उसका तना कमज़ोर होने के कारण उसकी शाखाएं टूट जाती है, जैसे फल आता है टूट जाती है, अथवा उसका फैलता कम है, ग्रोथ कम होती है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक शाखा को, बी पादप की एक शाखा को ए पादप के ऊपर ट्रांसफर कर दें, तो इस क्रिया को नाम देते हैं रोपण विधि। ए पादप था निम्न गुण वाला, बी पादप था उच्च गुण वाला। तो स्तंभ उसको कहेंगे जिसके ऊपर किसी पादप को रोपा जाए, कौन सा पादप, उच्च गुण युक्त पादप शाखा को रोपा जाए। कलम उच्च गुण युक्त पादप शाखा होगी, स्तंभ निम्न गुण युक्त पादप शाखा होगी। अब इनको रोपते समय क्या रखते हैं, सामान्य तौर पर इसको द्विबीजपत्री पादप के स्तंभ में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री होती क्या है, ये द्विबीजपत्री का तना होता है, उसके अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इसके केंद्रीय भाग में जाइलम है, जाइलम के चारों ओर एक कैम्बियम है, ऐदा है, ऐदा के चारों ओर फ्लोएम है। तो दूसरा जो भाग काट रहा हूँ वो भी तो इसी प्रकार का होगा, जिसको मैं रोप रहा हूँ जाइलम होगा, जाइलम के चारों तरफ ऐदा होगा, ऐदा के बाद में फ्लोएम होगा। तो हम इन दोनों को इस प्रकार से इसको जोड़े कि इन दोनों की ऐदा एक दूसरे से जुड़ जाए, और जैसे ही जुड़ेगी तुरंत प्रभाव से ग्रोथ करना प्रारंभ कर देगी। फलस्वरूप इसका जाइलम और इसका जाइलम, इसका स्तंभ का जाइलम और कलम का जाइलम एक दूसरे के सीध में होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ते ही जल का परिवहन ऊपर की ओर होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से कलम और स्तंभ को जोड़ते हैं कि ऐदा एक दूसरे से जुड़ जाए, और विभाजन करने के बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ दें, जिसके कारण सहवन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का द्वारा कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। क्या हम एक बीजपत्री पादपों में इस प्रकार की रोपण प्रक्रिया कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होता है नहीं। एक बीजपत्री पादपों में रोपण द्वारा कायिक परिवर्धन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक बीजपत्री तने में सेवन पुल होते हैं बिखरे हुए, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो अब जो दूसरा हम इसके ऊपर रोप रहे तो हमें दिखाई तो दे नहीं रहे कि सेवन पुल एक इसकी यहाँ पे है, तो मैं उसको घुमा करके इसकी सीध में लाऊँ, ऐसा दिखता नहीं। जिसके कारण जो कलम रोपी जा रही है और जो स्कंद है, उनके दोनों का सेवन पुल एक दूसरे के सीध में नहीं होने के कारण जल का और खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं होता, इसलिए वो रोपण विधि सक्सेस नहीं होती। इसलिए हम एक बीजपत्री पादपों में रोपण विधि के द्वारा कायिक परिवर्धन नहीं कर सकते। रोपण विधि के अंतर्गत कुल चार प्रकार आता है, जीविया अथवा जीवी रोपण, फसर विधि, किरीट विधि और कलिका रोपण। सबसे पहले देखते हैं जीपी का कार्य क्या होता है। इस प्रकार के कायिक परिवर्धन में कलम और स्तंभ होते हैं वो सम्मान व्यास के होते हैं। कैसे होंगे, सम्मान के। स्तंभ में हम वी आकार का काट लगाते हैं, कैसा लगाएंगे, ये वी आकार का काट लगा दिया। अब कलम को भी हम 4 से 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से तिरछा काटेंगे कि वो वी आकार के कट में फिट हो जाए, फिर एक दूसरे को उसको जोड़ करके इसके चारों तरफ पट्टी बांध देते हैं।
कुछ समय के बाद में ऐदा आपस में जुड़ जाएगा, वृद्धि करना प्रारंभ कर देगा, जिससे जाइलम और फ्लोएम बनेंगे, फलस्वरूप इस जाइलम का आपस में लिंक हो जाएगा, कार्य प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा फसर विधि आती है। इस विधि के अंतर्गत भी स्तंभ और कलम समान व्यास के होते हैं, लेकिन हम इसमें डब्लू आकार के या इस प्रकार का कट लगाते हैं। ठीक कलम के अंदर भी इसकी पूरक खांचाओं का निर्माण होगा और फिर इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। किरीट या मुकुट विधि में क्या करेंगे? मुकुट विधि में स्तंभ होता है वो बड़ा होता है, बड़ा भाग, और उसमें एक से अधिक कलिकाएं या कलम को रोपा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे हुई? मुकुट के समान हुई, जैसे मुकुट के ऊपर बहुत सारे हम स्ट्रक्चर जोड़ते रहते हैं, इसलिए नाम देते हैं किरीटी। ध्यान रखना किरीट या मुकुट विधि में स्तंभ का व्यास अधिक होता है, कलम का व्यास छोटा होता है। इसको एक भी लगा सकते हैं, एक से दो लगा सकते, तीन लगा सकते। चौथी विधि होती है, उसको नाम देते हैं कलिकारोपण अथवा टी कलिकान। इस प्रकार की प्रक्रिया में या कायिक प्रवर्धन में क्या करेंगे? स्तंभ होगा, ये स्तंभ है, इसमें टी आकार का खांच लगाते हैं, ये टी आकार का लगा दिया। कलम के अंतर्गत इसके पूरक खांचे लगाए जाते हैं, इस प्रकार की संरचना बना दी। फिर इस खांच को इसके अंतर्गत फंसा करके रोपण की प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। जैसे ही इसके अंदर इसको जोड़ दिया जाता है, तुरंत प्रभाव से इसके चारों तरफ पट्टी बांध करके उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ऐदा सक्रिय होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा और निर्माण करते ही जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ते ही शीर्ष भाग की कलिकाएं विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से रोपण विधि कुल चार प्रकार से की जाती है, कलिका, किरीटी, फसर और जीवियारोपण। ये किन पादपों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है? तो एक तो होता है नींबू, अमरूद, सेब, गुलाब इत्यादि पादपों में हम ये प्रक्रिया अपना करके नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन समाप्त होता है। हम इस पहले पाठ के अंतर्गत कायिक जनन, विशेष रूप से लैंगिक जनन के दोनों भाग, अनिश्चित बीज और कायिक जनन को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आपको यदि इसमें कहीं डाउट हो तो इसके कुल तीन वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको जरूर देखें आप, समझें। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको आप मैसेज के द्वारा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में लैंगिक जनन में प्रयुक्त होने वाली संरचना पुष्प के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।